माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बयान दिया है आपके यहाँ कि समाजवादी पार्टी की गुंडई समाप्त नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश राय, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों और विचारों पर चलने वाली है। कभी भी शिष्टाचार को भूलती नहीं है, चाहे वो राजनीतिक शिष्टाचार हो चाहे व्यक्तिगत शिष्टाचार हो। भारतीय जनता पार्टी राम को इतना सड़क पर लिया दिया कि राम ने उनका माथा उल्टा कर दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी किसी संवैधानिक पार्टी को कहे कि गुंडे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, गठबंधन बेईमानों का है, डकैतों का है, चोरों का है, तो समझिए कि वो भगवान राम के उपासक हैं कि रावण के उपासक हैं, ये तय करना आपके हाथ में है। और गठबंधन के लोग, समाजवादी पार्टी के कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर या उनके नेताओं पर कभी भी अपशब्द शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि शरीफ आदमी शरीफ को पहचानता है, विद्वान विद्वान को पहचानता है, पत्रकार पत्रकार को पहचानता है, चोर चोर को पहचानता है, गुंडा गुंडा को पहचानता है। तो अगर मुख्यमंत्री जी गुंडा होंगे तो उनको पहचान में होता होगा कि कौन गुंडे हैं। और अगर जगह जैसा वो कहेंगे जवाब वैसा फिर मिलेगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों की होती है सदन चलाने की। तो यही है, जैसे वो कहते हैं कि साफ छठ सुंदर के उनका छोड़ है, हम तो नहीं कहते, हम लोग मर्यादित आदमी हैं, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग मर्यादा नहीं तोड़ते। हम उसको कैसे कह सके तो पकी चमारों का उनका गठबंधन है, हम कैसे कह सकते हैं उनका चोरों का गठबंधन है, हम कह ही नहीं पाएंगे कि वो बेईमानों का गठबंधन है, हम ये कह नहीं सकते कि वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, क्योंकि हम समाजवादी हैं। हम महात्मा गांधी, आचार्य देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, चंद्रशेखर, अशोक मेहता से हम लोग सीखे हुए लोग हैं, इसलिए उनको हम चोर बेईमान गुंडा भ्रष्ट चरित्रहीन हम कहीं नहीं।